हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 1 अगस्त 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोटक बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 0.99% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1810.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा कम हमें वॉल्यूम जरूर यहाँ पे देखने मिल रहा है। कैंडल जरूर एक स्मॉल साइज की बनी और ऊपर की साइड में थोड़ी सी बढ़िया, नीचे की साइड में छोटी सी हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 56-57 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो यहाँ पे हमारे ओपिनियन में जरूर एक डाउन साइड में ही जो आते हुए देखने मिलने वाला है। इवन तो यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, मतलब अपसाइड मूवमेंट का यहाँ पे इशारा जो मिल चुका है। यहाँ पे इसकी वजह से जितना हो सके मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप बाइंग साइड में जो है अपना ट्रेड ले, चाहे इंट्राडे में ले रहे हो या फिर पोजिशनल वाइज। यहाँ पे सबसे पहले डाउनसाइड की अगर मैं बात करूँ मेरा ओपिनियन यहाँ पे 1798 के आसपास सबसे पहले डाउनसाइड हमें देखने मिलेगा। उसको अगर स्टॉक क्रॉस कर देगा फिर यहाँ पे डाउनसाइड हमें इजीली स्टॉक में 1780 के आसपास देखने मिल सकता है। 1780 के नीचे कभी भी स्टॉक अगर आपको आते हुए देखने मिले तो मैं जरूर यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा वहाँ पे आप जरूर बाइंग जो कर सकते हो। 1780 के नीचे अच्छी बाइंग प्राइस भी है प्लस यहाँ पे आपका जो है एवरेज प्राइस भी जो वहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। बाकी चाहे इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजिशन वाइज हो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप लॉन्ग साइड में ही जो अपना यहाँ पे पोजीशन बनाए और वहीं पे आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेयर में होगा तो और वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। तो जरूर जो उसी साइड में आप जो अपना ट्रेड ले। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की, तो यहाँ पे एज सच इम्पॉर्टेंट हर एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पे मार्क्ड है। लेकिन यहाँ पे हमें नया कुछ डेटा बनते हुए देखने मिला उसको मैं जरूर मार्क करके रख देता और यहाँ पे फिर हम बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जो भी हमें डेटा देखने मिला उसको हमें मार्क जरूर करना होता है ताकि यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम कभी भी स्टॉक में जो ट्रेड ले, चाहे इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजिशनल वाइज हो, हमारा जो है डेटा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जो ट्रेड होना चाहिए और उसी के बेसिस पे जो है यहाँ पे हमें जो है स्टॉप लॉस और टारगेट को भी जो मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट हो गई है। बात यहाँ पे करते हैं इसके क्लोजिंग की, थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करके दोनों साइड का डेटा हमें क्लियरली देखने मिले कुछ ऐसा यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1810 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1808 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस बनता है 1880 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले
वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1800 का, उसके बाद क्या आता है 1790 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1827 का, उसके बाद क्या आता है 1840 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव साइड का क्लोजिंग का, लेकिन ज्यादा मूवमेंट यहाँ पे हमें मंडे के दिन नहीं देखने मिलने वाली। चांसेस आए हैं कि हमें नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में जो क्लोजिंग देखने मिले, लेकिन पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग हमें जरूर जो देखने मिल सकती है। यहाँ पे 1808 से लेके 1818 के रेंज में चांसेस आए हमें क्लोजिंग जो देखने मिले। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।